न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBA ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता और TV एंकर अर्णब गोस्वामी के बीच की व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक होने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें NBA ने कहा है कि ये चैट हैरान करने वाली है, ये दिखाता है कि ताकत को लेकर कितना बड़ा खेल चल रहा था। इसी को लेकर NBA ने BARC से अपील की है कि रिपब्लिक TV की रेटिंग सस्पेंड कर दें। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF से मांग की है कि अर्णब गोस्वामी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए। इसके अलावा कई राजनीतिक दल इस कथित खुलासे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार को भी घेरने में जुट गए हैं। NBA ने ऐसी मांग क्यों की है, पूरा मामला क्या है और क्यों इस मोड़ तक पहुंच गया, ये सब बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो तीन छोटे छोटे नाम सुन समझ लीजिए, पूरी कहानी समझने में मदद मिलेगी। BARC क्या है? पूरा नाम तो बता दिया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। काम क्या है? TV पर आने वाले चैनलों की निष्पक्ष और सटीक रेटिंग निकालना। समय समय पर BARC TV चैनलों की रेटिंग, जिसे हम टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी TRP कहते हैं, जारी करता है। BARC ऐसा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के लगभग 44,000 घरों में लगी TRP मॉनिटरिंग मशीनों का सहारा लेता है। TRP के सामने आने के बाद ये पता चलता है कि एक खास समय अवधि में किसी खास चैनल पर दिखाए जा रहे कंटेंट से उस चैनल की व्यूअरशिप कितनी बढ़ी या घटी। कई TV चैनल इस TRP का इस्तेमाल अपने शो और कार्यक्रमों की प्लानिंग के लिए करते हैं। इनके नंबरों के आधार पर अपनी पॉपुलैरिटी साबित करते हैं। IBF क्या है? टेलीविजन चैनलों के जो समूह होते हैं उन्हें मिलाकर एक फाउंडेशन तैयार किया साल 1999 में, नाम दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसका काम है सरकार की नीतियों का टेलीविजन इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे देखना और टेलीविजन इंडस्ट्री के भिन्न भिन्न अंगों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। NBA क्या है? NBA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ये विशुद्ध रूप से खबरिया दुनिया से जुड़ी हुई संस्था है। साल 2007 में भारत में TV पर न्यूज चैनल चलाने वाली जितनी कंपनियां हैं उन्होंने मिलाकर NBA का गठन किया। काम ये था कि न्यूज चैनलों को जो भी नीतिगत दिक्कतें आती हैं या कानूनी अड़चने आती हैं उनसे निपटना और उनका निवारण करना। NBA का एक सबसे जरूरी काम ये भी है कि वे न्यूज चैनलों के सामने आने वाली तकनीकी दिक्कतों या संचालन संबंधी दिक्कतों को भी एड्रेस करती है और कानूनी तरीके से उनका निदान करने की भी कोशिश करती है। अब व्हाट्सएप चैट के मामले पर आते हैं। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से रिपब्लिक TV के न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी और BARC के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के बीच की कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। इन चैट्स में बहुत सारी बातें हैं। मसलन चैट में कुछ मौकों पर कथित तौर पर अर्णब गोस्वामी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में भारत सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, इस BARC कुछ बड़ा होगा। साथ ही ये भी कहा कि आर्म स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होगी और इसके अलावा कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। वायरल हो रही चैट के हवाले से बात करें तो इसके बाद अर्णब के नाम से लिखा गया कि पाकिस्तान में ऐसा हमला होगा कि लोग उत्तेजित हो जाएंगे। चैट के मुताबिक ठीक इन्हीं शब्दों में अर्णब के सूत्रों ने ये बात उनसे साझा की थी। अपनी चैट में जिस हमले की जानकारी कथित रूप से अर्णब गोस्वामी साझा करते नजर आ रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर बालाकोट स्ट्राइक से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही चैट में कश्मीर से जुड़े दावे को धारा 370 में संशोधन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके जरिए सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। चैट कहां से सामने आई? मुंबई पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में से। किस केस की चार्जशीट? रिपब्लिक TV नेटवर्क पर TRP को मैनिपुलेट करने के आरोप हैं। साल 2020 में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक TV और BARC के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के खिलाफ TRP रेटिंग्स में हेराफेरी करने का केस दर्ज कर रखा है। इस केस में अर्णब समेत रिपब्लिक TV के दूसरे बड़े अफसरों से पूछताछ भी हो चुकी है। चैनल के कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया था। पार्थो दास गुप्ता और रिपब्लिक के CEO विकास खान चंदानी अब तक कस्टडी में हैं। सोशल मीडिया का एक धड़ा मुंबई पुलिस पर किसी खास मकसद से चैट को लीक करने के आरोप लगा रहा है। पार्थो दास गुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ठाकुर ने कहा है, दो लोग जो एक दूसरे को करीब से जानते थे उनकी चैट लीक करने के पीछे मोटिवेटेड इंटरेस्ट है। उन्होंने दावा किया कि इन चैट्स में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे दोष सिद्ध होते हों, ये सारी बातें प्रोफेशनल लेवल की हैं। और किस आशय की बातचीत है इन व्हाट्सएप चैट्स में? एक तो बालाकोट स्ट्राइक और कश्मीर को लेकर संविधान संशोधन की बातचीत है। इसके अलावा भी कई बातें हैं, जैसे एक चैट में दास गुप्ता कथित तौर पर अर्णब गोस्वामी से कहते हैं कि दूसरे चैनल वाले अर्णब के चैनल की सफलता से जलते हैं। इसके जवाब में अर्णब गोस्वामी के हवाले से लिखा है कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं।
कई मौकों पर अर्नब और दासगुप्ता के नाम से भेजे गए मैसेज में किसी व्यक्ति के लिए AS शब्द लिखा गया है। कहा जा रहा है कि बार्क के खिलाफ की गई शिकायतों को लेकर अर्नब AS से मिले। सोशल मीडिया पर AS का मतलब अमित शाह से निकाला जा रहा है। सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है। खबरों के मुताबिक अर्नब और पार्थों की इस कथित बातचीत में कई जगहों पर सचिवों की नियुक्ति और कैबिनेट में फेरबदल का भी जिक्र है। वायरल चैट में दासगुप्ता ने कई मौकों पर अर्नब गोस्वामी से कुछ मंत्रियों के साथ बार्क से जुड़े कुछ मुद्दे उठाने को भी कहा है। NBA की क्या आपत्ति है? NBA ने अपने बयान में दावा किया कि इन मैसेज से साफ होता है कि बार्क और रिपब्लिक टीवी ने मिलकर महीने दर महीने TRP रेटिंग्स के नंबरों के साथ छेड़छाड़ की। दूसरे चैनल्स की रेटिंग घटाई गई ताकि रिपब्लिक टीवी की रेटिंग बढ़ाकर दिखाई जा सके। NBA ने कहा है, इन मैसेजेस से बस रेटिंग का हेर फेर ही नहीं पता चलता, बल्कि ये भी पता चलता है कि ताकत को लेकर कितना बड़ा खेल हो रहा है। इन मैसेजेस में कैबिनेट में फेरबदल, सचिवों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच की बातें हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में भी लिखा गया है। इन सब बातों से NBA के पिछले 4 सालों में लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया था कि NBA से बाहरी सदस्यों द्वारा बार्क से मेलजोल करके रेटिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिपब्लिक को IBF से बाहर करने के अलावा NBA ने ये मांग भी की है कि इस चैनल की रेटिंग को समय तक के लिए सस्पेंड कर दी जाए, क्योंकि NBA के आरोप हैं कि रिपब्लिक की हरकतों की वजह से ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की छवि को नुकसान पहुंचा है। NBA ने बार्क से ये भी कहा कि बार्क एक सब कमेटी बनाए जिसमें NBA के सदस्य हों। अगर न्यूज चैनल्स की रेटिंग्स में कोई बड़ा परिवर्तन हो तो उसे अमल में लाने के पहले इस सब कमेटी की राय ली जाए। साथ ही जो चैनल रेटिंग्स में हेरफेर करने में शामिल रहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में भी बार्क सूचित करे। इसके अलावा NBA ने ये भी कहा कि हर महीने छेड़छाड़ करके तैयार किए गए आंकड़े पेश करने से सिर्फ ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की इमेज ही नहीं खराब हुई है, बल्कि कई सारी कंपनियों को आर्थिक नुकसान भी उठाने पड़े हैं। ऐसे में बार्क की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मसले पर सफाई पेश करे। राजनीतिक दलों की क्या मांग है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC द्वारा इस मामले की जांच की मांग। कांग्रेस और राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने इस चैट लीक कांड के बाद सभी आरोपों की JPC द्वारा जांच की मांग की है। इन राजनीतिक दलों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान में संशोधन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की जानकारी का पहले ही बाहर आना एक गंभीर मुद्दा है, जिसकी फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। 19 जनवरी को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा है, बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी बस 4 या 5 लोगों को थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना प्रमुख, और इनमें से ही किसी ने अर्नब गोस्वामी को जानकारी दी है। ये एक आपराधिक कृत्य है। जिसने जानकारी दी और जिस व्यक्ति के पास जानकारी आई, दोनों पर ही केस किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, लेकिन वे जांच कभी शुरू ही नहीं होगी। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जानकारी प्रधानमंत्री ने ही दी होगी। कांग्रेस के अलावा महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगी NCP का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का TRP के लिए इस्तेमाल किया गया है। NCP के प्रवक्ता महेश तापसे ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह बहुत चौंकाने और परेशान करने वाली बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कैसे TRP बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये भी सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी को इस तरह की संवेदनशील जानकारी कहां से मिली। गृह मंत्रालय को तुरंत इस बारे में पता करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। NCP ने नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान में संशोधन से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों तक की संवेदनशील जानकारियां किसने मुहैया कराई? केंद्र सरकार को तुरंत एक जांच बिठानी चाहिए। साथ ही रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बनी संसद की स्थायी समिति को भी इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि वायरल चैट के पूरे मामले में केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मामले की जाँच करनी चाहिए। देशमुख से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें देशमुख से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। आरोपियों का क्या कहना है? इस मामले में जब मीडिया संस्थानों ने बार्क से पक्ष जानने की कोशिश की तो बार्क ने कहा, चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है और जांच जारी है, लिहाजा इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क ने एक बयान जारी करके कहा है कि रिपब्लिक के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है। ये रिपब्लिक को कुचलने का कुछ चैनलों का मिला जुला प्रयास है। हम सरकार और इस देश के लोगों से अपील करते हैं कि ये अन्याय मत होने दीजिए। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।